70 सालों में पहली बार हिंदू जाकर है और अब जाकर वो अपने हक की बात कर रहा है। अब ऐसे में चाहे मंदिर बनाने का फैसला हो या सरकार के कंट्रोल में चल रहे मंदिरों को मुक्त कराने का फैसला हो, हर फैसले में हिंदुओं को न्याय चाहिए। और अब जो आवाजें उठ रही हैं, लग रहा है उस पर सरकार और सिस्टम दोनों ही ध्यान दे रहे हैं और जल्द ही सरकार के कंट्रोल में चल रहे मंदिर सरकार के कंट्रोल से मुक्त हो जाएंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको पहले बताते हैं कोर्ट और जजों की इस मुद्दे पर राय और फिर सरकार इसके लिए क्या सोच रही है, वही हिंदुओं के हक के लिए लड़ाई लड़ने वाले वकील इसके लिए कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा का बयान। जी हाँ, सोशल मीडिया पर पूर्व जज का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रही है कि इन वामपंथी सरकारों के साथ यही होता है, वो राजस्व के कारण मंदिरों पर कब्जा करना चाहती है। उनकी समस्या राजस्व है, हर जगह उन्होंने कब्जा कर लिया है, हर जगह केवल हिंदू मंदिर। इसीलिए जस्टिस ललित और मैंने कहा नहीं, हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। दरअसल पूर्व जज यहाँ पर एक मामले का जिक्र कर रही हैं और उसी के बारे में बोलते हुए ये कह रही हैं कि उन्होंने और जस्टिस यूयू ललित जो कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, इन दोनों ने ही केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के संबंध में इस तरह के प्रयासों को रोक दिया था। दरअसल मामला क्या है इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो सुनाते हैं। जो वीडियो है वो किसी मंदिर के सामने का ही लग रहा है, आप भी सुनिए इस वीडियो को जिसमें इंदु मल्होत्रा ये कह रही हैं कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स ऑल ओवर आर ओवरटेकिंग हिंदू टेंपल्स। यहाँ पर पूर्व जज इंदु मल्होत्रा जुलाई 2020 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का जिक्र कर रही थी जिसमें शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुनाया था कि त्यावनपुर शाही परिवार के पास श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रखरखाव और प्रबंधन का अधिकार है। दरअसल 2011 में केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में केरल सरकार को यह अधिकार दिया था। बाद में इसे शाही परिवार के महाराजा ने चुनौती देते हुए एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि मंदिर और देवता के प्रबंधन का अधिकार शाही परिवार को है जो कि उस शासक की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होगा जिसने 1949 में भारत सरकार के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे जिसके चलते तत्कालीन त्रावणकोर रियासत भारतीय संघ में विलय हो गई थी। अब इस वीडियो में आपने ये भी सुना होगा कि वहाँ के लोग पूर्व जज इंदु मल्होत्रा से ये कह रहे हैं कि हमें उनके ऊपर गर्व है। दरअसल जो फैसला उन्होंने लिया उसके ऊपर गर्व जता रहे हैं और लगातार इसी के लिए धन्यवाद भी उनका अदा किया जा रहा है। अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो कई यूजर्स ने पूर्व जज के इस काम को सराहा, तो वहीं एक यूजर ने ये लिखा कि वाई हायर अ लॉयर व्हेन यू कैन बाय अ जज। अब इस प्रकार का ट्वीट अगर इस यूजर ने किया है तो दिक्कत इन्हें हुई ही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिर्फ हिंदू मंदिर पर ही सरकार का कंट्रोल है, बाकी किसी भी धर्म पर किसी भी धर्म के पूजा स्थल पर सरकार का कंट्रोल नहीं है। अब इसीलिए हिंदू भड़के हुए और इन यूजर ने जो यहाँ पर कहा है कि जज को ही खरीद लेते हैं तो फिर हमें लॉयर हायर करने की क्या जरूरत है, अब इस पर कई लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया और ये कहा कि मंदिरों पर सरकार कंट्रोल क्यों कर रही है, मंदिरों से सरकार का कंट्रोल हटे और देश में समानता आए। इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी एक वीडियो जारी किया है और पीएम मोदी से उन्होंने इस मामले में फैसला लेने के लिए भी कहा है। अश्विनी उपाध्याय को तो आप जानते ही हैं जो कि जनता की आवाज को कोर्ट तक पहुंचाते हैं, अधिकतर भ्रष्टाचार, लैंगिक न्याय, शिक्षा आदि मुद्दों को लेकर वो जनहित याचिका दायर करते रहते हैं और अब उन्होंने हिंदू मंदिरों पर सरकार के कब्जे को लेकर कहा है कि कालिका मंदिर सरकार के कंट्रोल में लेकिन जामा मस्जिद नहीं, पुष्कर मंदिर सरकार के कंट्रोल में लेकिन अजमेर शरीफ नहीं, वैष्णो देवी मंदिर सरकार के कंट्रोल में लेकिन हजरत बल की दरगाह नहीं, सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में लेकिन हाजी अली की दरगाह नहीं। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है। आप किसी चर्च, किसी दरगाह, किसी मजार, किसी मस्जिद को अपने कंट्रोल में नहीं लेते हो आप, लेकिन 4 लाख मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लेते हो। भारत में मठ मंदिर को कंट्रोल करने के लिए अब तक 30 कानून बन चुके हैं। पहला कानून बनाया था 1863 में अंग्रेजों ने और उसके बाद से अब तक 30 कानून बन चुके हैं, लेकिन चर्च, दरगाह, मजार, मस्जिद के लिए एक भी कानून नहीं। मठ मंदिरों से सरकार हर साल 1 लाख करोड़ रुपए लेती है, चर्च, दरगाह, मस्जिद, मजार से 1 रुपए नहीं लेती। 18 राज्यों के मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, किसी एक भी राज्य का, एक भी चर्च, एक भी दरगाह, एक भी मजार मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं। मुंबई में सिद्धि विनायक का मंदिर सरकार के कंट्रोल में, वही बगल में हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। कश्मीर में जम्मू वैष्णो देवी जी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में, हजरत बल की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। अजमेर में पुष्कर का मंदिर और भी मंदिर सरकार के कंट्रोल में, अजमेर शरीफ की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर सरकार के कंट्रोल में और एकदम सटा हुआ 10 मीटर भी दूर नहीं है जो ज्ञानवापी मस्जिद हो, सरकार के कंट्रोल में नहीं। मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि सरकार के कंट्रोल में, एकदम सटा हुआ 10 मीटर भी दूर नहीं है, ईदगाह की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। तो ऐसे 4 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, जबकि आर्टिकल 26 कहता है इस देश के सभी नागरिकों को अपने अपने धार्मिक स्थान का निर्माण करने, उनका रखरखाव करने, उनको मैनेज करने, उनको मेंटेन करने का अधिकार है। तो सरकार को अगर लगता है कि मठ मंदिर हम चलाएंगे तो केवल मठ मंदिर नहीं,
फिर सरकार को चर्च भी अपने कंट्रोल में लेना चाहिए, सही मजार भी लेना चाहिए अपने कंट्रोल में, दरगाह भी लेना चाहिए, मस्जिद भी लेना चाहिए। और सरकार को लगता नहीं ये तो धार्मिक मामला, हम इसमें क्यों पड़े, धार्मिक स्थान को मैनेज करना हमारा काम नहीं, तो सरकार को 4 लाख मंदिरों को फ्री कर देना चाहिए। आप जरा कल्पना करिए, भारत में जितने चर्च हैं सबके आसपास एक कॉन्वेंट स्कूल चल रहा है, वो चर्च वाले चला रहे हैं।